नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये करंट अफेयर का। और जैसे कि एनटीपीसी जो जिनका फर्स्ट क्लियर हो चुका है उनका एग्ज़ाम लगा है मई में, और फिर इसके बाद जून में लेखपाल है 19 जून को, और फिर इसके बाद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसमें 25 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन से किसी भी मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट ये हो गया, और प्लस इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, और मंथ वाइज भी करेंगे। तो कुल मिला के जो हम लोग का जितने भी हम वीडियो डालेंगे उससे अगर आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में उस पर फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, WHO ने हाल ही में COVID-19 रोकथाम के लिए WHO द्वारा मान्य टीकों के बढ़ते पोर्टफोलियो को जोड़ते हुए आपातकालीन उपयोग सूची EUL प्रदान किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्न या फिर स्पुतनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, कोवैक्सीन है इसका आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन या फिर जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, शिखर धवन। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? शिखर धवन ने जीता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस पे दिया गया है किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया गया रूस, जापान, यूके या फिर यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, यूके ने। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 है, और द सिनेमा ऑफ सत्य जीत रे नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमिताभ घोष, दिव्या दत्ता, अवतार सिंह भसीन या फिर भास्कर चट्टोपाध्याय। द सिनेमा ऑफ सत्य जीत रे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो भास्कर चट्टोपाध्याय है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है अवतार सिंह भसीन, प्रदीप मैगजीन, जे के अल्फोज या फिर कुशाल सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रदीप मैगजीन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक वाले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुस्तक कोई भी पूछी जा सकती है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और फिर इसके बाद है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, त्रिपुरा ने। ठीक है, त्रिपुरा तीन से याद रख सकते हैं, त्री है ना, त्री लिखा हुआ है। तो क्या क्या बना है? क्रिकेट बैट और स्टंप, मतलब कि क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है। ठीक है, बॉल एक और ऐड कर लीजिए तो और हो जाएगा सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई, क्या क्या हो गया, बैट हो गया, स्टंप हो गया, बट दो ही चीज़ बनाई है, बट तीसरा आप लोग बॉल ऐड कर लीजिए जिससे कि याद रहेगा त्री 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 त्री। ठीक है, फिर इसके बाद है, बंधन बैंक ने जुमीन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। जुबीन गर्ग को बंधन बैंक ने, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन से, असम। ठीक है, असम इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद है, बिजली मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य में पकड़दुलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मरु सुदर्श नदी के मोड़ का उद्घाटन किया है? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं इस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, जम्मू कश्मीर।
ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, मरणोपरांत किसे बस वश्री पुरस्कार से 2021 बस वश्री पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया है, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चिरंजीवी, सरजा, पुनीत राजकुमार से किशोर बल्लाल या फिर बुलेट प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पुनीत राजकुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2020 साहित्य राष्ट्र पुरस्कार 2020 किसे चुना गया है। तो ऑप्शन दिया गया काजल मलिक, रोशनी त्रिपाठी, प्रियंका मोहिते या फिर सोनिया शर्मा। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्रियंका मोहित ते। नेक्स्ट है, दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन है राशिद खान, मेहंदी हसन, मिराज, पीपी शॉ या फिर आफ्ताब बलूच। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा राशिद खान, क्योंकि बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, छबी ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी और कारनामे इनके बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है 12 नंबर और इस पर दिया गया, भारत में डैश को प्रत्येक वर्ष सभी कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 9 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, 9 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू या SDGSAT फर्स्ट लॉन्च किया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, चीन। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट एट होम्स एंड अवॉर्ड अ पर्सनल जर्नी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा शंकर आचार्य। फिर है ब्रिकवर्थ रेटिंग्स एक सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बताइए, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, से भारतीय रिजर्व बैंक ने नामक अपना पहला वैश्विक हैकथॉन लॉन्च किया है। बैंकिंग 2021, ब्लॉकचेन्स 2021, हर्बिंगर 2021 या फिर लीगल 2021 हैकथॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, हर्बिंगर 2021। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का क्या स्थान था। ऑप्शन दिया गया 11, 18, 25, 27। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 18वां स्थान था। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मोरी नारी वतन बे, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 और इस पर दिया गया है, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पूनम दलाल दलिया, ठीक है, दहिया है। और फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय रसद सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, कौन है, कर्नाटका, केरल, त्रिपुरा या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, गुजरात। ठीक है, क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय रसद सूचकांक,
2021 में सबसे अच्छा जो राज्य है वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क का चयन किया? ऑप्शन है श्रीनगर, भोपाल, देहरादून या फिर इम्फाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, श्रीनगर ने। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल को मनाया जाता है 11 नवंबर, 12 या 13 या फिर 14 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, और इस पर दिया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन दिया गया जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीके पुरवार, सीपी मोहंती, विनीत अरोड़ा या फिर आर हरि कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, आर हरि कुमार। ठीक है, किस पे करा गया ये भी देख लेते हैं। हाँ, नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। नेक्स्ट है, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह, आमिर खान, अमिताभ बच्चन या फिर सोनू सूद। एमवे इंडिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन को करा गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और शेयर कर दें वीडियो जिनको अच्छा लगे हो, और क्योंकि अभी और भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और कैसे याद करें, जैसे कि अभी कुछ चीज़ें हम बताएंगे, आर्टिकल्स हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट्स हो गए, कि कैसे उनको याद करें कि ये मतलब कि एग्ज़ाम टाइम में भूलें ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।